हाँ अपना नाम बताइए। इमरजेंसी वार्ड कहाँ है? भाई भाई पट्टी बांधो ना। नहीं बोला ना। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इसका इलाज क्यों नहीं हुआ? ये लोग बोले हम लोग गैंगस्टर का इलाज नहीं करते। ऐसा बेहुदा जवाब किसने दिया? हमारे डॉक्टर ने, ये उनका नया रूल है। किस डॉक्टर ने रूल बनाया दिखा मुझे। आज उस डॉक्टर की ड्यूटी का आखिरी दिन होगा। रिपोर्ट ले जाके डॉक्टर को दिखा, वो सब बता देंगे तुम्हें, ठीक है? देखो वो रही, मैं बुला के लाता हूँ। छुड़वाने की दवा दूध से लेनी थी, दारू से नहीं दादाजी। हमारे पास दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो क्या करते? यस अंजलि, आज इसे लवोलॉजी पढ़ाऊंगा। क्या पैसा नहीं है, पैसा नहीं कर रही हो? ये तुम्हें दवाई भी दे और साथ में अपनी कमाई भी दे। रहने दीजिए ना डॉक्टर, बेचारे गरीब है। अरे मेरा ये मतलब नहीं था, मैं भी कई दिनों से इनकी मदद करने की सोच रहा था। पर्स मुझे दो, तुम्हारे नाम पे भिखारियों को दे दूंगी। ठीक है अंजलि, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं पर मुझे कोई पसंद नहीं आती। आपको भी लड़कियां पसंद नहीं करती? मैंने उनसे कहा कि मैं लेडी डॉक्टर से ही शादी करूंगा, अगर तुम्हारी नजर में कोई हो तो। अंजलि समझ रही हो ना? हेलो हेलो, होए चांद इधर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कह दिया ना इसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगा, धमकी देने आए हो? नहीं करूंगी। मत करो, तुम जो कर रही हो ना सही कर रही हो, यही कहने आया था। कितनी बार कहा था कि गुंडागर्दी करोगे तो यही हाल होगा, अब खुद जा और सर पे पट्टी बांध। एग्जैक्टली, इसीलिए ये मेरा उसूल है कि मैं मवालियों का इलाज नहीं करती। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जब मैं इसकी माँ के बारे में सोचता हूँ तो डर लगता है। क्यों, इसकी माँ ड्रैकुला है? नहीं तो फिर? इसकी बहन की शादी जिससे हुई थी उसे उठाकर पुलिस ले गई, सदमे में बाप बेवड़ा बन गया और माँ ने भी दारू पीनी शुरू कर दी। पर ये गुंडा बना क्यों? पुराने जीजा को लॉकअप से छुड़ाने इसे गुंडा बनना पड़ा, बहन का घर जो बसाना था। तो इसकी बहन का क्या हुआ? वो भी गुंडी बन गई। ए, आज से भाईगिरी नहीं करेगा, चल मैडम को प्रॉमिस कर। डॉक्टर मैडम आपकी कसम, आज से गुंडागर्दी बंद। ओके अब मैं इलाज करूंगी। तुम म्यूजिशियन हो? हाँ हाँ, वायलिन करता, मेरा मतलब वायलिन बजाता हूँ, शहर में बजाने के लिए मशहूर हूँ मैं। ये तो गिटार लगता है। एक्चुअली गिटार से भी मैं वायलिन बजा लेता हूँ। वैसे मेरे संगीत के जादू से अंधेरे में भी चिराग जलते हैं। ओ अच्छा, खुद को तानसेन समझता है, भांड की औलाद। डॉक्टर सावित्री, आर्टिस्ट की कद्र करनी चाहिए। सावित्री वो कौन है? मैं हूँ, एक्चुअली मेरी दादी मरी तो उनका सारा सामान मुझे मिल गया, साथ में नाम भी। सावित्री। क्या कहा? सावित्री। ओह वेरी डिफरेंट। तुम लोग एक शो क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते? शो करते ना मैडम, यहाँ एडवांस लिया और साजो सामान लेकर बजाने पहुँच जाते हैं। सर जी, मेरा गिटार। ये तुम्हारा है? स्टूडेंट है मेरी ही, मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। ये लो पकड़ो अपना तानपुरा, पार्क में जाकर प्रैक्टिस करो। ले जाओ इसे, तुम भी जाओ, सब मिलकर सिखाएंगे तो जल्दी समझ जाएगी। ओके अब तुम इसे घर ले जा सकते हो, ये टैबलेट्स दो दिन के लिए है। ठीक है। शंकर तेरी बॉडी लाइन चेंज हो रही थी, कहीं डॉक्टर को लाइन तो नहीं मार रहा था? लाइन नहीं मार रहा था, मैं तो खुद उस पर मर रहा था। भांड कहीं का, मेरे माल पर डाका डालेगा। हेलो डॉक्टर अंजलि, संगीतकार रवि बोल रहा हूँ। ओह तुम हो? हाँ बोलो। बहुत दिन हो गए, मेरा दोस्त नहाना चाहता है, उसके पूरे सर पर पट्टी है, वो नहा सकता है कि नहीं? हाँ पर पट्टी ना भीगे। ठीक है हेलमेट पहना कर नहला दूंगा। डॉक्टर साहिबा, अंजलि मैडम, मेरे दोस्त को बहुत भूख लगी है, वो कांटे वाली मछली खाए या बिना कांटे वाली? चाहे तो कांटे वाली मछली खा सकता है पर ध्यान रहे कि कांटा ना खा जाए। तो उसे झींगा ही देता हूँ। हेलो, उसे नींद आ रही है, खड़े खड़े सो सकता है या लेट के सो सकता है? बैठ के सो सकता है। आप भी अब सो सकती हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। इन कमीनों में से किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा, मगर तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। डॉक्टर मैडम कैसी हैं? तुझे क्या लगा
मैं ये सब तेरे लिए कर रहा हूँ। हाँ। उसका दिल पाने के लिए बिल बढ़ा रहा हूँ। मुंह बंद कर, मच्छर घुस जाएंगे। आप इसे तूफानी नाम देकर ना अपने सर पर चढ़ाए जा रहे हैं। एक दिन ये हमारा ही सर काटेगा। पार्टनर, इस बोल बच्चन को क्यों साथ में लेकर आए? बहुत पका रहा है। इग्नोर कर इसे। फिक्र इस बात की है कि कमिश्नर ने हमें क्यों बुलाया। जिस धंधे में है उसमें पुलिस के साथ तो उठना बैठना रहता ही है। अंदर चलकर पता करते हैं क्यों बुलाया। टेंशन क्यों ले रहे हो? नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हाउ डू यू डू अंकल? अंकल क्यों बुला रहे हो मुझे? तुम्हारा सगे वाला हूँ क्या? सर, गांधी जी को बापू कहते हैं, नेहरू जी को चाचा कहते हैं, वो सगे वाले हैं? नहीं ना, इज्जत है। अरे अंकल, कॉफी में शुगर नहीं है, मतलब आपको डायबिटीज है, आप ही पीजिए। देखो राका, पहले भी मैं तुम्हें वार्निंग दे चुका हूँ, कल पनवेल में तुमने क्या किया और ये इतना उछल क्यों रहा है? जू से आया है सर। मीटिंग बंद करो कमिश्नर। इनको क्या तुमने चाय पर बुलाया है? इसको तो मैंने कल ही मार दिया होता मगर तुमने मना किया था। इन सबको जेल में डालकर चक्की पिसवाओ। कमिश्नर साहब के सामने इतना बोल रहा है, लगता है जम के माल खिलाया है। What? देखा कितना कट रहा है। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सर अभी तमीज नहीं है ये कमिश्नर साहब। ए तो अपना स्पीकर बंद रख। अंकल, इसकी नोट पर अगर गांधी जी का फोटो छपा है तो मेरी नोट पर जिन्ना का फोटो नहीं छपा है। ये देगा उसका डबल दूंगा। पार्टी बदल लो। अगर तुझे लगता है तेरी गन से गोलियां निकलेगी तो मेरी गन में क्या टॉफियां भरी है? इंसान में 9 होल होते हैं, ट्रिगर दबाते ही 10 हो जाएंगे, राउंड फिगर। एक मिनट। देखिए नाना जी, आप आराम से घर जाइए, बाकी मैं संभालता हूँ, प्लीज। ठीक है, लेकिन अगर ये लोग मेरे रास्ते में आए तो इनकी खून की नदियां बहा दूंगा। तुम्हारे साथ जितने की डील हुई थी उतनी रकम तुम्हें मिल जाएगी। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। क्या बोल रहा था? ये बकवास कर रहा है सर, एक नंबर का पागल है ये। तू बोल। अंकल, पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, डबल। ए शंकर, तू पीछे हो जा। पीछे क्यों होगा? डील अच्छी है इसकी। हाँ? ये नाना जी आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ने लगा है। उसे कोई सबक सिखा सकता है तो वो ये है, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा तुझे। वाह राका, तुमने सही आदमी चुना है जो कैशियर और कैलिबर दोनों है। इसको हैंडल विद केयर। के किनारे जो नाना जी को जमीन दी है वो राका के नाम ट्रांसफर कर दे, वरना तेरा ट्रांसफर ऊपर। ये गिटार के साथ गेम भी बजाता है। सती सावित्री, तूने कुछ देखा? गलती से मिस्टेक हो गई, देख लिया। तो अंजलि को बता देगा? सोच तो रहा हूँ। नहीं नहीं, मैंने नहीं कुछ देखा, नहीं कुछ सुना। मैं सब समझ गया, उस साले शंकर को खत्म कर दो। आखिर एक शर्ट लेने के लिए मुझे इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? नजदीकियां दूरी से बढ़ती हैं। मेरा मतलब तुम्हारी चॉइस का जवाब नहीं, इसलिए मैं तुमको अपने साथ लेकर आया हूँ। सूरी, तूने देखा तो कहाँ गई वो? एंट्री मारते हुए देखा था मैंने। अरे पर है कहाँ? वो देखो, वो कलर दिखा।
ही पोल खोलता हूँ। अंजलि उस शॉप में चलते, सस्ता कपड़ा मिलेगा। लेकिन वहाँ तो कोई शॉप नहीं है। ओ साला भाग गया। अंजलि ये फैशन स्ट्रीट का माल लगता है, वहाँ चलते हैं जहाँ बाय टू गेट एट का ऑफर चल रहा है। चलो। कहाँ गया वो? सावित्री यही तो था। कहाँ जाना है? मैं सोच रहा हूँ अपने लिए भी चड्डी बनियान खरीद लूँ। हाँ मिल गया। अंजलि वो देखो वहाँ 40% डिस्काउंट है। अरे सावित्री वहाँ लेडीज के कपड़े मिलते हैं। फिर गायब हो गया। मैं जैसे बोलूँ तभी देखो, तभी तो फायदा होगा। क्या बड़बड़ा रहे हो? दिमाग में भूसा तो नहीं भरा ना? मेरे दिमाग में कुछ नहीं हो सकता, एक्चुअली खाली है ना। चलो ऐसा करते हैं उस शॉप में चलते, वहाँ पजामे के साथ नाड़ा फ्री है। बचा लो मुझे, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। इसीलिए तो नीचे फेंक रहा हूँ। नहीं भाई, तू नाना का आदमी है ना? सही कहा। दुश्मन का आदमी है, छोड़ना तो पड़ेगा। मिस्टर रवि, उसका हाथ पकड़ो, छोड़ना नहीं, छोड़ना मत। अंजलि वो उसे बचाना नहीं, मारना चाहता है। मिस्टर सावित्री मुंह बंद रखो, वो उसे बचा रहा है। मेरा तो उल्टा पड़ गया। मिस्टर रवि उसका हाथ छोड़ना मत, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, पकड़ के रख उसे। हाँ हाँ मैं हूँ। किस्मत अच्छी है साले, आ जाओ बरा, चल आ जा। सुसाइड करने मॉल में क्यों आए भाई साहब? जवाब दे, बोलना, बता, गर्लफ्रेंड भाग गई? हाँ भाग गई। वाह क्या झूठ बोला है। जिंदगी कितनी कीमती है पता नहीं। अंजलि जी आजकल आदमी की लाइफ कितने साल की है? इस महंगाई के दौर में 60 साल तक चल जाए तो 60 साल। सुना तूने, पहले 100 साल जीते थे, अब सिर्फ 60 साल। मजनू पहले 20 साल तो पढ़ाई में निकल जाते हैं, 5 साल रोमांस के होते हैं, फिर यहाँ वहाँ मुंह मार मार के वो 5 साल 15 साल में खींच जाते हैं। गृहस्थी के 10 साल, 5 साल बुढ़ापे के। अब बता बचे कितने? 5 साल। तुझे अकाउंटेंट होना चाहिए था। क्या कर रहा था पप्पू? 5 मिनट के प्यार के लिए तू 5वें माले से कूदने जा रहा था। दोबारा करेगा, गलती करेगा, माफ कर दो। हाँ माफ कर दिया, दोबारा ये गलती की तो निकाल निकाल। आपने तो कमाल कर दिया, आपने उसका दिमाग 1 मिनट में ठीक कर दिया। आप तो महान हैं। आपका अभिमान है। ये तो बहुत जबरदस्त आदमी है। शुक्रिया। रवि जी आपकी एक हेल्प चाहिए। झिझक के मत बोलिए ना। मेरे हॉस्पिटल में कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो जिंदगी से बेजार हो चुके हैं, अगर आप उन्हें मोटिवेट कर दें तो। कल का कोई प्रोग्राम है? हाँ एक शोक सभा में जाना, उसको परसों शिफ्ट कर दे। आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। रास्ते में बहुत गड्ढे थे इसलिए स्लो आए हैं। कोई बात नहीं। अब लेक्चर कहाँ देना है? अंजलि जी आपने मुझे इतनी इज्जत दी है, मैं अरे क्या हुआ? इतने लोगों को एक साथ मोटिवेट कैसे करूं? एक एक करके चलेगा? इनको एक एक करके नहीं एक साथ समझाना है। भाई पहले हमें खुद समझना पड़ेगा कि समझाना क्या है। बकवास बनकर। रवि जी इनकी बीमारी की वजह से इन्हें इनके घर वालों ने निकाल दिया है। छूत की बीमारी लगती है। छूत की बीमारी तो डॉक्टर ठीक कर सकता है, संगीतकार का क्या काम है? चलो चलो चलो। आपकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, इनको भी हंसाइए। फ्रेंड्स अब आपके सामने मैं ऐसे इंसान को बुलाने वाली हूँ जो एक म्यूजिशियन और ग्रेट थिंकर है, जो हमें जीने की नई नई राहें दिखाएंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर रवि। अब बजेगा इसका बैंड। ये अंजलि की आंखों में धूल झोंक कर हीरो बना हुआ था, अब जीरो बनेगा। नमस्ते सर। काटे ये संभाल, आज तेरी बैटरी हो जाएगी गुल। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। हम लोग आधे घंटे से इसी माइक पर भाषण दे रहे थे, शुरू करो शुरू करो। बैठे हुए सारे महानुभवी डॉक्टर्स, उपस्थित सम्मानीय मरीजगण, खूबसूरत डॉक्टर अंजलि, आपको मेरा प्यार मतलब नमस्कार। अब आजकल जिंदगी बहुत ही महंगी है, इंजेक्शन की वजह से पिछवाड़े में चाहे कितना भी दर्द हो फिर भी इंजेक्शन लगवाते रहना चाहिए। खाना पचाने के लिए रोज चलना चाहिए, गोली मत खाओ, दवा पीने से पहले शीशी को रोज हिलाना चाहिए, जैसे सिगरेट दारू अपनों के लिए छोड़ देनी चाहिए ताकि दूसरे पी सके। पॉइंट पर आओ। पॉइंट पर ही आ रहा हूँ। बचपन में छोटा था तब कहावत सुनी थी, तुम कभी बच्चे थे, वन एप्पल वन डे डॉक्टर रन अवे, पर ऊपर वाले ने डॉक्टर अंजलि जैसी बनाई हो तो फॉरगेट द फ्रूट। व्हाट नॉनसेंस। 3 साल से छोटे बच्चों को पोलियो जरूर पिलाइए, 2 बूंद जिंदगी की सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे पकाना बंद कर।
तेरे भाषण से हम ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर साहिबा, ऐसा भाषण सुनाने से बेहतर था नींद की गोलियां खिला देते। हम 5-6 महीने जिएंगे, मगर तुम्हारे भाषण से 5 मिनट में मर जाएंगे। मार डालो इसे। अगर तुम्हारे सामने दुश्मन खड़ा हो तो उसे मारने में सोचना क्या? डॉक्टर की गोली खाने से अगर तुम्हें डर लगता है तो बंदूक की गोली खाओ। ऐसे भी मरोगे वैसे भी। अगर जीना है तो शेर की तरह जियो, गीदड़ की तरह नहीं। इस दुनिया में कोई अमर नहीं। दवाई देने वाला डॉक्टर मरेगा, रिसर्च करने वाला साइंटिस्ट मरेगा। मौत की गोद में हर एक को सोना है। याद रखना, मरने से भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी एक ही चीज है, खौफ। वक्त से पहले मरने का खौफ। काट डालो डर को। डर का सर्वनाश, जिंदगी का आगाज। हर किसी को कोई ना कोई बीमारी है। किसी को पैसे की बीमारी, किसी को कुर्सी की, तो किसी को धर्म के नाम पर लड़वाने की बीमारी। जब इतनी सारी बीमारियों के साथ लोग खुशी खुशी जी रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं जीते? देश में इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, दवाइयां हैं, अपने देश के इतने माहिर डॉक्टर्स हैं, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? जागो और डर को भगाओ। अपने आप में जीने का हौसला बढ़ाओ। आपका हौसला देखकर बीमारी भी चकरा जाएगी। ये क्या, कहीं ये चप्पल टमाटर तो नहीं फेंकेंगे? खिसक लूं? हम बीमारी से लड़ेंगे क्योंकि तुम्हारी बातों से हमें जीने का हौसला जाग गया है। देखा कैसे सबका दिल जीत लिया? इसने भले ही सबको चेंज किया, मगर इसको आपने चेंज किया है। हाँ मैडम, इसकी बातें, इसका बिहेवियर, इसकी पूरी जिंदगी आपसे मिलने के बाद ही चेंज हुई है। आपने तो अपनी स्पीच से इन्हें एक नई उम्मीद की किरण दी। थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।